नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स डू योगा। आपके साथ मैं हूं वृक्षा। आज हम जिस प्रॉब्लम पर बात करने जा रहे हैं वो है पैरों में दर्द। पैरों में दर्द होना या तलवों में दर्द होना एक समस्या जो है खड़ी कर देती है, क्योंकि पैर जो है हमारे पूरे बॉडी का जो है एक भार जो है अपने ऊपर लेते हैं। चलने में जो है पैर हमारी सहायता करते हैं, और अगर पैरों में दर्द हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी काम करना। तो आज का जो एपिसोड है इसी तर्ज पर है कि अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। अब पैरों में दर्द अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर आप हील्स ज़्यादा पहनते हैं तो भी दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ता है उनमें भी जो है पैर दर्द की समस्या आती है। तो इसके लिए आज हम कुछ करेंगे ऐसे आसन जिससे आपको पैर दर्द से जो है छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे ताड़ासन। उसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं, अपने जो पांव हैं उनमें जरा सा डिस्टेंस रखें इस तरह से, और अपने हाथों से एक लॉक बनाएं। लॉक बनाने के बाद आपको करना है गहरी सांस लेनी है। सांस लेते हुए हाथों को जो है ऊपर ले जाना है और एड़ियां भी साथ में उठा लेनी है। उस पोजिशन को होल्ड करना है, सांस को भी रोक कर रखना है, और उसके बाद जो है रिलैक्स होते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस बैक टू नॉर्मल पोजिशन में आ जाना है। तो चलिए करके बताते हैं आपको। हाथों को लॉक कर ले, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, गहरी सांस भरेंगे और ऊपर को एड़ियां उठा लेंगे, पैर उठा लेंगे। होल्ड करें, थोड़ा बैलेंस बना के रखें, रिलैक्स, सांस छोड़ते हैं वापस। एक बार फिर से सांस भरेंगे ऊपर को, रिलैक्स वापस। ये है ताड़ासन। इससे जो है आपके पैर दर्द में जो है काफी राहत आपको महसूस होगी। मोस्टली जो है अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है उसमें भी जो है ताड़ासन काफी हेल्प करता है। वही आपको करना है, लॉक करना है हाथों को, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और अपने टोज को भी उठा लेना है और उस पोजिशन को होल्ड करना है, और ये है ताड़ासन। अगला जो हम आसन करने जा रहे हैं पैर दर्द के लिए वो होने वाला है चेयर पोज। चेयर पोज में आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को जो है एक चेयर की तरह, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं उस टाइप जो है उसको लेकर आना है। उसके लिए थोड़ा सा जो गैप है पैरों में बढ़ा लें, और अब सबसे पहले अपने घुटनों को इस तरह से झुकाएं, इस तरह से, और जैसे हम चेयर पर बैठे और अपने बाजू में जो है उसको आगे कर लें इस तरह। जब आप इस तरह बैठेंगे तो एक टेंशन क्रिएट होगा आपके पैरों में, आपके जो है टांगों में। इस तरह से ये चेयर पोज रहेगा। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं जितनी देर हो सके, 5 सेकंड 10 सेकंड। वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा से करेंगे, हाथों को आगे करेंगे, नीचे बेंड होंगे इस तरह से, और होल्ड करेंगे इसे। चेयर पोज इसे बोलते हैं, जिस तरह हम चेयर पर बैठते हैं उस तरह से इमेजिन करना है कि एक चेयर है। जब आप इसे करेंगे तो आपके घुटनों में आपको जो है बहुत टेंशन क्रिएट होगी, जो है एक खिंचाव महसूस होगा। पैर दर्द में ये काफी सहायक है। इससे अगला जो हम आसन करेंगे वो बैठकर करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। इस आसन के लिए बैठ जाएं सबसे पहले। बैठने के बाद जो है अब हमने करना है वज्रासन टाइप, लेकिन वज्रासन थोड़ा सा चेंज वे में करना है। वज्रासन विद फ्लेक्स्ड टो इसे हम कहेंगे। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से, जैसे हम बैठते हैं नॉर्मली। और अब क्या करना है, इस तरह बैठने के बजाय जो आपके पांव हैं, टोज हैं, उनको ऊपर को कर लेना है यूं, अपनी एड़ियों के बल पर बैठना है। इस तरह से बैठ जाएं, कमर एकदम सीधी, हाथ जो है हथेलियां जो है घुटनों पर, और सामने की ओर देखें। सांस जैसे आ जा रही है उसे महसूस करें। जितनी देर हो सके इस पोजीशन में बैठें। जो आपके उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां हैं, उस पर जो है आपका सारा जो भार है बॉडी का वो वहां पर आ जाएगा। रिलैक्स करें, देन अगेन हम करेंगे फिर से एक बार, जो अपनी पैरों की उंगलियां उस पर जो है भार आएगा, और इस तरह से इसे बोलेंगे हम वज्रासन विद फ्लेक्स्ड टो। पोजीशन में बैठ सकते हैं आप, इसे रिपीट कर सकते हैं 5 से 10 बार। वापस आ जाएंगे,
तो आप इन्हें जो है जरूर फॉलो करें ताकि आपको पैर दर्द से छुटकारा हो। लेकिन अंत में जो है, अगर आपकी पैर दर्द स्वेयर हो रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर की परामर्श के बिना कोई भी जो है रेगुलर रूटीन जो है उसको फॉलो ना करें। डॉक्टर के परामर्श के साथ ही किसी भी चीज को अपनी जो रेगुलर रूटीन है उसमें शामिल करें। तो ये था आज के लिए पैर दर्द के लिए अलग अलग आसन। फिर लौटेंगे अलग प्रॉब्लम्स के साथ, उसके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।